पुणे के विश्रांतवाड़ी इलाके में एक 9 साल की बच्ची के अपहरण करने की कोशिश की गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपहरण करने की कोशिश करने वाले को ढूंढ रही है। इस घटना के बाद से बच्ची इतनी डरी सहमी हुई सी है कि वह घर के बाहर खेलने से भी डर रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह घटना विश्रांतवाड़ी के विद्यानगर में गौरव गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के पास घटी। इस मामले में बच्ची की मां रूबी शैलेंद्र सिंह ने विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। 1 अगस्त की शाम 5 बजने के करीब बच्ची अपनी सहेलियों के साथ सोसाइटी के पास खेल रही थी। तभी एक शख्स बाइक पर आया और बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची को स्कूल का नाम पूछा और उसका हाथ पकड़कर बाइक पर जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करने लगा। बच्ची अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। बच्ची ने घर जाते ही यह बात अपनी मां को बताई। बच्ची की मां ने तुरंत इस बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खंगाले, जिससे एक सीसीटीवी फुटेज में मुंह पर रुमाल बांधकर बच्ची को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए एक अनजान शख्स दिखाई दे रहा है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी को ढूंढ रही है।